सिरमौर जिला के ऊपरी इलाकों में भारी हिमपात हुआ है। देर रात हुए हिमपात से क्षेत्र में यातायात सहित अन्य व्यवस्थाएं भी पूरी तरह से चरमरा गई है। हरिपुर धार में करीब 1.5 फुट जबकि इसके आसपास वाले क्षेत्र में 2 से 3 फीट हिमपात हुआ है। इलाके में यातायात व्यवस्था की अगर बात करें तो सभी सड़कें यातायात के लिए पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। ग्रामीण इलाकों में दर्जनों छोटे बड़े वाहन फंसे हुए हैं। अंदाजन लोगों को यहां पैदल सफर तय करना पड़ रहा है। जिला के ऊपरी इलाकों को जोड़ने वाली तमाम सड़कें कल से ही बंद है, लिहाजा जिला मुख्यालय सहित अन्य कई क्षेत्रों से इलाके का संपर्क कटा हुआ है। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने मार्ग बहाली का कार्य शुरू कर दिया है। बर्फबारी के कारण इलाके में बिजली व पानी की समस्या ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पिछले 3 दिनों से जहां कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप है, वहीं पेयजल लाइनें जाम होने से पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई है। इस बर्फबारी के बाद बागवानी व किसानी वर्ग से जुड़े लोग खुश नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि फसलों व कई फलों के लिए यह बर्फबारी किसी वरदान से कम नहीं है। लोग लंबे समय से यहाँ बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। हरिपुर धार के में जो ये पहला हिमपात हुआ है इस साल का, तो ये बहुत ही ज़्यादा हिमपात हुआ है जिससे सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई है। बागवानों के लिए तो ये खुशी का माहौल है क्योंकि बर्फ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, पर यहाँ पे पानी की और लाइट की व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है। और 2019 की जो पहली बर्फबारी है ये किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। और जहाँ तक देखा जाए रोड का हिसाब किताब है, बसें आना जाना बिल्कुल बंद है जी, और गाड़ियाँ बिल्कुल बंद है, रोडें सारी बंद है। हम पीडब्ल्यू विभाग से उम्मीद करता है कि जल्द जल्द अपनी जेसीबी लगाए ताकि सारे रोड सुचारू रूप से चल सके। और कोई पेशेंट को बड़ी दिक्कत आ रही है, गांव में लोग मरीज है, उठा के लाना पड़ रहा है। बाकी देखा जाए बागवान के हिसाब से तो बागवान के लिए बहुत अच्छा है, सेहत के लिए बहुत अच्छा, जो बर्फबारी हुई है बहुत बहुत बढ़िया है। और बाकी जो फसल है लहसुन है उसके लिए बहुत बड़ी फायदेमंद है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।